छत्तीसगढ़ सरकार ने कवर्धा के गौ सेवक साधराम मर्डर केस में एनआईए जांच की सिफारिश की है। इस मसले पर सीएम साय ने खुद मीडिया में बयान दिया कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार साधराम यादव मर्डर केस में एएनआई से जांच करवाएगी और हम इसकी सिफारिश करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जनवरी महीने में साधराम यादव की हत्या कर दी गई थी और गला काटकर बेरहमी से साधराम यादव की हत्या कर दी गई थी, जबकि उनसे आरोपियों की कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा लगता है कि यह किसी व्यक्ति की हत्या नहीं है बल्कि एक विचारधारा की हत्या है, इसलिए इस केस में सूक्ष्मता से जाँच जरूरी है। पिछले दिनों साधराम यादव की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई और उससे कोई दुश्मनी नहीं था, फिर भी लोगों ने बिल्कुल निर्दयता पूर्वक गला रेंतकर उसकी हत्या कर दी और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और आज उनके परिजन, उनके तीनों भाई, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर न्याय मांगने के लिए हम लोगों के पास आए हैं। वैसे दोषीदार सब, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जिस निर्दयता के साथ हत्या हुई है साधराम यादव की, उसको देखते हुए परिजनों का मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा दोषीदार लोगों को मिले। तो आज मुख्यमंत्री के नाते हम परिजन को और हमारे गृहमंत्री भी स्वयं उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है, आज धर्मलाल जी भी यहाँ पर समक्ष में हैं, तो हम इस जांच को एनआईए को सौंपेंगे ताकि मतलब सूक्ष्म इसकी जांच हो और अगर इसमें और भी किसी तरह का कोई बात हो तो भी सामने में आए, क्योंकि कोई दुश्मनी रहता है तो इस तरह की कोई घटना होती है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और इस तरह से नृशंस हत्या किए हैं, तो हमको लगता है ये कोई व्यक्ति की हत्या नहीं लेकिन एक विचारधारा की हत्या है, तो इसकी सूक्ष्म जांच होनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए एनआईए को सिफारिश करेंगी कि इसकी जाँच वो करें।